छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी और जीती, लेकिन इसके बाद पूरे प्रदेश में चर्चा अब सीएम फेस को लेकर है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कुछ नाम बिल्कुल सामने हैं जो आम लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी हमेशा ही अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती रही है। लिहाजा सीएम कौन होगा इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वे नाम जो फिलहाल चर्चाओं में हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ही है। भले ही छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनावों में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रमन सिंह राज्य में बीजेपी का सबसे पहचाना हुआ चेहरा है। दूसरे दावेदार के रूप में विष्णुदेव साय का नाम भी खूब सुर्खियों में है। वे प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद भी पार्टी नेतृत्व के साथ पूरी सक्रियता के साथ काम करते रहे। आदिवासी चेहरे के रूप में उनका नाम भी काफी सुर्खियों में है। साय संघ के करीबी भी माने जाते हैं। तीसरी दावेदार के रूप में रेणुका सिंह का नाम भी चर्चा में है। वे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। वहीं चौथे नाम की बात करें तो अरुण साव, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनका नाम भी सीएम रेस में शामिल है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी साव के काम की सराहना की। पार्टी में बीजेपी का ओबीसी चेहरा होने की वजह से सीएम पद के लिए साव की दावेदारी काफी मजबूत है। वहीं सोशल मीडिया पर ओपी चौधरी का नाम भी सीएम की रेस में चल रहा है और अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें बतौर सीएम प्रोजेक्ट करते रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इनमें से किस नाम पर मोदी शाह की मोहर लगेगी, या फिर जो नाम किसी के जहन में नहीं होगा उसको मोदी शाह की जोड़ी सीएम बना सकती है। वैसे आप किसे छत्तीसगढ़ का सीएम बनते देखना चाहते हैं? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।